स्वागत है आपका हमारे चैनल POV हॉरर ऑफिशियल चैनल में, जहां आपको मिलेंगी डरावनी दिल को दहला देने वाली कहानियां। अगर आप भी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी डरावनी कहानियां सुनते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप भी हमारी कहानियों से जुड़ सकते हैं। तो देर न करिए, सब्सक्राइब करें और मजा लें हमारी कहानियों का। अगर आपके साथ भी हुआ कोई भूतिया अनुभव आप हमारे चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्त पिशाच की रहस्यमय, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी एक दिलचस्प कहानी। ये कहानी का पहला पार्ट है। अगर आप लोग इस कहानी को ज्यादा प्यार देंगे तो जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मेरी पुरानी वाली कहानियों जैसी नहीं है, इसमें कुछ नया है। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी सुनाने का नया तरीका पसंद आएगा। तो ज्यादा बोर न करते हुए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। छत पर खड़ी जेनेलिया पश्चिम की ओर बड़ी ध्यान से देख रही थी। सूरज दिन भर की लंबी यात्रा करने के पश्चात पश्चिम दिशा में आ चुका था। आसमान का रंग सिंदूरी हो उठा था और आज शाम बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। लेकिन जेनेलिया का ध्यान कहीं और था। वह कुछ सोचकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। जेनेलिया पिछली रात की घटना में खोई हुई थी, जब उसने कुछ विचित्र देखा था, जब उसका सामना विलियम डिसूजा से हुआ था। हालांकि शाम खूबसूरत थी, किंतु जेनेलिया के मस्तिष्क में विचारों की आंधी थी। उसकी तवज्जो शाम की खूबसूरती की ओर नहीं, बल्कि उन सवालों की ओर थी जो विलियम डिसूजा नाम के उस शख्स के कारण वजूद में आए थे। अचानक एंथोनी की चीख सुनकर उसके विचारों की श्रृंखला टूटी और वह उस छत से दौड़ पड़ी। वह सीढ़ी के सहारे से किसी चीते की चाल की भांति भाग खड़ी हुई थी। विलियम डिसूजा प्रार्थना हॉल में से ही हलक फाड़ कर चिल्लाया था। जेनेलिया बुरी तरह घबराई हुई थी। उसके माथे के पसीने बयां कर रहे थे कि वह इन घटनाओं के पीछे की बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। उसने बहुत बड़ी आफत मोल ली थी, जिसका समाधान उस चर्च के फादर ही कर सकते थे। फादर एंथोनी डिकोस्टा 4 दिनों से शहर किसी काम से गए थे। आज सूर्यास्त से पहले आने का वादा करके गए थे। शायद उनके आने के बाद जेनेलिया का डर कम हो सके। प्रार्थना हॉल में कदम रखते ही जेनेलिया को अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने देखा कि फादर एंथोनी डिकोस्टा वहीं खड़े थे और वहां एक लोहे के स्तंभ में विलियम डिसूजा बंधा हुआ था। उसका शरीर किसी बेजान लाश की तरह रस्सी के सहारे बंधे होने की वजह से काफी दयनीय स्थिति में थी। जेनेलिया ने डरी और सहमी नजर से पहले विलियम डिसूजा की तरफ देखा। उसके बाद फादर एंथोनी डिकोस्टा की तरफ देखते ही एक लंबी और गहरी राहत भरी सांस ली। फादर को देखते ही उसके जान में जान आई थी। अचानक फादर डिकोस्टा आगे बढ़े और विलियम डिसूजा के माथे पर अपनी हथेली रखी। फादर डिकोस्टा को 440 बोल्ट का करारा झटका लगा। उन्होंने खुद को संभाला और जेनेलिया की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसका जिस्म इतना ठंडा क्यों है? इतना सुनते ही जेनेलिया विलियम डिसूजा के करीब आई और उसके धड़कनों पर अपने कान को रखने के बाद बोली, ओह जीसस, इसकी धड़कनों में भी किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं है। ये सुनते ही फादर बंधे हुए विलियम डिसूजा के करीब आए और क्रोधित होते हुए बोले, क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि यह तुम क्या कह रही हो? उन्होंने उसका नब्ज टटोला तो उसमें भी कोई हलचल नहीं पाई। वह काफी चिंतित हो गया। वह लगभग आश्चर्य और डर के मिश्रित स्वर में बोले, इसका हर अंग किसी मुर्दे की तरह बिल्कुल ही सुन्न है। ये संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते के साथ वह झट से 2 कदम पीछे हट गया और बोला, इसका शरीर बर्फ की सिल्ली की तरफ ठंडा और धड़कने तो बिल्कुल ही बंद है, और ऐसे लक्षण तो किसी नरपिशाच। फादर एंथोनी डिकोस्टा का इतना कहना था कि उस लोहे के खंभे में बंधे इंसान ने अपना सिर ऊपर उठा लिया और जोर जोर से अपनी कर्कस आवाज में चीख उठा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद उस चर्च के प्रार्थना स्थल में खड़े सभी ने अपने कानों को अपनी हथेलियों से बंद कर लिए। उस इंसान के 2 लंबे-लंबे दांत उभर आए थे, जिससे खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। उसने देखते ही देखते अपने उन मजबूत दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू किया और अगले ही पल वह आजाद हो गया। रस्सी को काटना उसके बाएं हाथ का खेल था। पलक झपकते वह अब सभी के नजरों से ओझल हो चुका था। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ वह शख्स अभी भागा था। उसने यह सब इतनी फुर्ती से किया था कि किसी के उसकी इस हरकत की भनक तक नहीं लगी। वह अब उन लोगों से काफी दूर जा चुका था। फादर एंथोनी डिकोस्टा धीमे कदम से जेनेलिया की तरफ बढ़ा। जेनेलिया अब भी उस दिशा में देख रही थी और किसी विचारों में खोई हुई थी। फादर एंथोनी डिकोस्टा उसे झकझोर कर बोला, जेनेलिया, वह शख्स कौन था और वह तुम्हें कहां मिला था? जेनेलिया ने यह सुनते ही रोनी सी सूरत बनाई और बोली, फादर, मैं कुछ नहीं जानती।
बस मुझे इतना पता है कि कल रात किसी वक्त कई कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। जब काफी देर तक आवाज शांत नहीं हुई तो मैं अपनी बिस्तर से उठी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि बिजली गुल थी। मैंने टॉर्च जलाया और घड़ी में समय देखा तो रात्रि के ठीक 12 बज रहे थे। मैंने अपने रूम में मोमबत्ती जलाई और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो जोरदार बारिश हो रही थी। कुत्तों के रोने की आवाज अब भी जारी थी। मैंने अपनी खिड़की से टॉर्च जलाकर उस आवाज की दिशा में किया तो मुझे एहसास हुआ कि वह आवाज मेरे कमरे के पीछे उस सुनसान कब्रिस्तान से ही आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे 4 से 5 कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया जो किसी कब्र के ऊपर खड़े होकर आसमान में अपना मुंह उठाकर रो रहे थे। उनके रोने की आवाज इतनी ज्यादा कर्कश थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के नीचे लेटे उस इंसान की मौत का मातम मना रहे हों। तभी मेरा ध्यान उस कब्र के पास एक कुत्ते पर पड़ी जो बिना किसी हलचल के लेटा हुआ था। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इतनी तेज बारिश में उसके शरीर में कोई हलचल न होना मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर गया। मैंने झट से टॉर्च को सख्ती से पकड़ा और ठीक उसी वक्त उस कब्रिस्तान में जाने का निश्चय कर लिया। हवाओं का जोर बहुत ही तेज था। मैं एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में छतरी लिए वहां जा पहुंची। उन कुत्तों पर मेरे वहां होने का भी कोई असर नहीं पड़ा और मेरे वहां पहुंचने के बाद भी कुत्तों के रोने का क्रम जारी रहा। तभी मैंने उस कब्र के पास में पड़े उस लेटे हुए कुत्ते को टटोलने की कोशिश की तो देखा कि वह मर चुका था और उसके शरीर से किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। उसके गले से लगातार खून का रिसाव जारी था जिसे वह बारिश की बूंदें भी धूमिल करने में नाकामयाब थीं। उस कुत्ते का शरीर एकदम मरियल सा लग रहा था, मानो जैसे उसके जिस्म में रक्त की एक भी बूंद शेष न हो। उसकी यह दयनीय हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई उसके शरीर से कोई सारा खून चूस गया हो। मैंने जैसे ही उस जगह से उठने की कोशिश की तभी मेरी नजर कब्र की दूसरी तरफ गई। मैं देखकर एकदम से चकित रह गई कि वहां कोई इंसान लेटा हुआ था। उसे इस तरह से रात के इस पहर में देखकर मेरे होश गुम हो गए। मैंने उसके करीब जाकर देखा तो उसके होंठों से खून की पतली धारा बाहर बह रही थी। उसके खोपड़ी के आसपास वाला जमीन का हिस्सा बेहद ही सुर्ख लाल था। शायद वहां खून की बूंदें काफी मात्रा में इकट्ठी हो गई थीं। मैंने उस शख्स को अपने चर्च के चौकीदार की मदद से उसे इस चर्च के प्रार्थना भवन में ले आई। उसे जैसे ही यहां जमीन पर लिटाया कि उसकी आंखें खुल गईं और उस अंधेरे में उसकी लाल गाढ़ी आंखें चमक उठीं। उसकी आंखें किसी शैतान की तरह भयावह दिख रही थीं। तभी वह अगले पल बिजली की फुर्ती से उठा और चौकीदार पर झपट पड़ा। उसने झट से चौकीदार के गले पर अपने चमचमाते नुकीले दांत चुभो दिए। देखते ही देखते वह उसके शरीर से सारा रक्त चूस गया और उसे किसी गेंद की तरह दूसरी तरफ फेंक दिया। अब उसका अगला शिकार मैं थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी सुर्ख लाल आंखें फिर से किसी शैतान की तरह चमक उठीं। वह मेरी तरफ झपटा। अफसोस कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वहीं पास में पड़े जीसस क्राइस्ट के पवित्र क्रॉस को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। जैसे ही उसने मेरे जिस्म को पकड़कर अपने नुकीले दांतों को मेरे गर्दन में चुभोना चाहा, मैंने झट से वह पवित्र क्रॉस उसके माथे से लगा दिया। मेरे ऐसा करते ही अगले ही पल वह धरती पर गिर पड़ा। मैंने बिना समय गवाए उसे इस लोहे के खंभे से बांध दिया। मैंने उसकी जेब की तलाशी ली तो देखकर चौंक गई। उसकी पर्स में उसका एक पहचान पत्र था जिस पर उसकी एक छोटी सी तस्वीर चिपकी हुई थी। उस तस्वीर के नीचे उसका नाम विलियम डिसूजा लिखा हुआ था और उसकी जन्म तिथि 13 नवंबर 1813 लिखी हुई थी, जो तकरीबन 207 साल पहले की लिखी हुई थी। मुझे पता था कि यह शैतान जब पुनः जागृत होगा तो मैं इसका अकेले सामना नहीं कर सकती। मुझे यह भी पता था कि आज सूर्यास्त से पहले आप इस चर्च में वापसी करेंगे, इसलिए मैं आज सारा दिन छत पर ही आपकी राह ताक रही थी। जेनेलिया ने वह सब कुछ बता दिया जो वह उस विलियम डिसूजा के बारे में जानती थी। ये सब सुनने के बाद फादर एंथोनी डिकोस्टा बोले, मैं अब तुम्हें कुछ जरूरी और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह आगे हमारे बहुत काम आने वाले हैं। जेनेलिया, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि वह विलियम डिसूजा और कोई नहीं बल्कि एक नरपिशाच है। फादर डिकोस्टा के मुंह से यह सुनते ही जेनेलिया चौंक उठी और उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, क्या नरपिशाच? जेनेलिया की बात सुनते ही फादर डिकोस्टा बोला, हाँ, वह एक नरपिशाच ही है।
वह हर 32 साल में इस चर्च में एक बार जरूर आता है और वह लगातार दो रात में से एक रात को इस चर्च के फादर के खून से अपनी प्यास बुझाकर ही जाता है। आज से ठीक 32 साल पहले भी वह इसी चर्च में आया था और इस चर्च के पूर्व फादर को अपना शिकार बनाया था। वह यह खेल कई दशकों से खेलता चला आ रहा है। लेकिन फादर, यह सब आपको कैसे पता कि वह नरपिशाच ही है और इसकी क्या गारंटी है कि हर 32 साल में चर्च के फादर को जरूर मारता है? शायद तुमने ठीक से समझा नहीं। वह नरपिशाच हर अमावस की रात को अपना शिकार किसी इंसान या जानवर को बनाता है। वह उसके शरीर से सारा रक्त चूसकर अपनी प्यास बुझाता है। जैसा कि मैंने अभी अभी तुमको बताया कि इस चर्च के पूर्व फादर को नरपिशाच ने ही अपना शिकार बनाया था। उनके जाते ही यह चर्च काफी सालों तक यूं ही वीरान पड़ा रहा। चूंकि मैंने उस रात इस चर्च के फादर को मरते हुए काफी पास से देखा था, उस समय मेरी उम्र मात्र 11 वर्ष की ही थी। मैं बदनसीब उसी फादर का मरहूम पुत्र हूं। मैंने उसी वक्त यह निर्णय कर लिया था कि मैं इस नरपिशाच का खात्मा करके ही दम लूंगा। मैंने 32 साल तक इस घड़ी के आने का इंतजार किया है। अब उस नरपिशाच की मौत मेरे हाथों ही लिखी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। अपनी 43 साल की उम्र तक मैंने उस नरपिशाच के खात्मे के लिए बहुत मेहनत की है। अब इन सब का निचोड़ जल्द ही निकलने वाला है। मुझे इस रहस्य से भी पर्दा उठाना है कि आखिर उसे इस चर्च से ऐसी कौन सी पुरानी रंजिश है जिसकी प्यास वह इस चर्च के फादर को मारकर ही पूरा करता है। सन 1819 में पोली जान दोरी कृत रचना ड्रैकुला के प्रकाशन के साथ ही आधुनिक कथा जगत में करिश्माई और कृत्रिम पिशाच का आविर्भाव हुआ। हालांकि ब्रैम स्टोकर के सन 1897 में प्रकाशित उपन्यास ड्रैकुला को सर्वोत्तम उपन्यास के रूप में याद किया जाता है, जिसने पिशाच कथा साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार की। हालांकि यूरोपीय लोक कथाओं में ऐसी अनेक बातों का पता लगा जिसमें नरपिशाच के बारे में ऐसी रिपोर्ट थी कि वे आमतौर पर देखने में फूले हुए रक्ताभ या पीले, बैंगनी अथवा काले रंग जैसे उनकी इन चारित्रिक विशेषताओं को अक्सर आजकल के रक्त पीने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वास्तव में अक्सर कफन में लिपटे या ताबूत में लेटे शव के नाक और मुंह से खून रिसता हुआ देखा गया और बाई आंख को अक्सर खुला हुआ पाया गया। यह जीने पारदर्शी कफन में लिपटा हुआ कब्र में दफन, जिसके दांत, बाल और नाखून बड़े हो गए हो सकते थे, जबकि आमतौर पर ऐसे नुकीले दांत नहीं देखे जाते थे। फादर डिकोस्टा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे आज भी याद है, जब मैं 11 साल का था तब मेरे पिताजी ने इस नरपिशाच को मारने के लिए बहुत प्रयास किए थे। नरपिशाच की पहचान के लिए अनेक व्यापक धर्मानुष्ठान आयोजित करवाए थे। उन्हें पता था कि नरपिशाच रात के अंधेरे में ही निकलता था और बाकी समय वह अपने कब्र में ही लेटा रहता था। देखो, हमारे पास आज रात 12 बजे तक का समय है। इस वक्त घड़ी में 7 बज रहे हैं, तो हमारे पास तकरीबन 5 घंटे का समय है जो इस काम को करने के लिए पर्याप्त होगा। आज रात 12 बजे से पहले यदि उसे खत्म नहीं किया तो मेरे 32 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने इतने सालों में इस नरपिशाच के अंत के सारे उपाय समझ लिए हैं। बस जरूरत है तो उन उपायों को सही तरीके से प्रयोग करके उसका जल्द से जल्द अंत कर दिया जाए। उस प्रार्थना भवन में सभी फादर डिकोस्टा की बात ध्यान से सुन रहे थे। सभी को फादर पर पूर्ण विश्वास था कि आज नरपिशाच का अंत हो ही जाएगा। बस जरूरत थी तो इस मुसीबत की घड़ी में एकजुटता दिखाने की। प्रार्थना सभा की भीड़ से एक व्यक्ति बोला, फादर, हम सब आपकी मदद के लिए पूर्णतया तैयार हैं। यदि उसके अंत के लिए हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके ऐसा कहते ही सभी एक साथ सुर में सुर मिलाने लगे। सभी को एक साथ एकजुट देखकर फादर डिकोस्टा बहुत खुश हुए। वह इस बार तेज आवाज में बोले, देखो, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा भी बोलूं बस वैसा ही करते जाओ। मुझे जल्दी से एक काला घोड़ा और 25 वर्ष की एक कुंवारी लड़की चाहिए। 25 वर्ष की कुंवारी लड़की का नाम सुनते ही वहां मौजूद प्रार्थना भवन में हुसुर फुसुर शुरू हो गई। इस तरह की बात करने से सभी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। वहां खड़े एक शख्स ने साहस करते हुए कहा, फादर, हम सभी जानना चाहते हैं कि आपको 25 वर्ष की कुंवारी लड़की ही क्यों चाहिए? क्या उसकी जगह 25 वर्ष का कुंवारा लड़का नहीं चलेगा? फादर डिकोस्टा उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 32 वर्ष नरपिशाच के रहस्यों को जानने, समझने और उसका खात्मा कैसे करें यह जानने में ही लगा दिए हैं। मैंने बहुत बारीकी से बहुत से अभ्यास किए हैं जो कि नरपिशाच के अंत में काम आएंगे। मेरे प्रयोग और मुझ पर पूरा भरोसा रखो। उस लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सभी यहां से जाओ।
और मुझे आधे घंटे के अंदर एक काला घोड़ा और 25 वर्ष की एक कुंवारी लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, तभी उस नरपिशाच का खात्मा संभव है। कुछ ही पल में वह प्रार्थना भवन खाली हो गया। फादर डिकोस्टा वहीं बैठकर ख्यालों में खो गया। क्या मैं सच में उस खतरनाक नरपिशाच से लोगों को मुक्त कर पाऊंगा? इस जंग में मेरी हार हो या जीत, मुझे एक बार कोशिश तो करनी होगी। बाकी आगे क्या होगा मैं अपने गॉड पर छोड़ता हूँ। कहते हुए फादर डिकोस्टा वहीं चिंतन में खो गए। उन्होंने अपनी पिछले 32 सालों की जिंदगी को शुरू से याद करना आरंभ कर दिया। उन्होंने फादर बनने तक की मेहनत और लगन के पीछे अपने पिता को प्रेरणा माना था और आज उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए इतिहास रचने के करीब थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अपने पिता की अधूरी इच्छा को वह जरूर पूरी कर लेंगे। उसे खुद पर और अपनी योजनाओं पर पूरा भरोसा था। फादर, क्या वहाँ आप हो? तभी फादर डिकोस्टा के पीछे से आ रही आवाज ने उनका ध्यान तोड़ा और वह अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने पलटकर देखा तो जेनेलिया वहाँ खड़ी थी और फादर डिकोस्टा की तरफ अधीर भाव से देख रही थी। फादर, आपके कहे अनुसार घोड़े का इंतजाम हो चुका है, लेकिन क्या जेनेलिया, बोलो क्या कहना चाहती हो? यही कि इस काम के लिए कोई भी 25 वर्ष की कुंवारी लड़की नहीं मिल पाई। मैंने लगभग आसपास के हर गांव और कस्बे में इसका पता किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं खाली हाथ ही वापस आई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? मुझे लगता है तुमने पूरी तरह से प्रयास नहीं किए। नहीं, ऐसी बात नहीं है फादर। मैंने अपने सामर्थ्य से हर संभव कोशिश किए, लेकिन हमें सिवाय काले घोड़े के और कुछ हाथ न लगा। जेनेलिया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ फादर, आप जो भी कहना चाहते हो वो बेहिचक कहो। जहाँ तक मैं सही हूँ, तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है और अभी तुम पिछले महीने ही 25 वर्ष की हुई हो। यह कहते वक्त फादर की आंखों में विशेष प्रकार की चमक थी, ऐसी चमक जैसे किसी धूर्त और चालाक लोमड़ी की आंखों में होती है। उसकी चमक कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जेनेलिया के 25 वर्ष के होने की पूरी जानकारी फादर डिकोस्टा को थी और वह बस पूछने के नाम पर महज एक औपचारिकता ही पूरी कर रहा था। जेनेलिया फादर की बात सुनते ही डरी और सहमी आवाज में धीरे से अपने सिर को हिलाती हुई बोली, यस फादर, मैं हूं तो, लेकिन यह कहते कहते वह अटक गई, जैसे उसे पता हो कि वह इस नरपिशाच के खूनी जंग में बलि का बकरा बनाने की तैयारी में हो। जेनेलिया की बात सुनते ही फादर डिकोस्टा उसके करीब आया और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुम नहीं जानती जेनेलिया, तुमने मेरा कितना बड़ा काम आसान कर दिया है। तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे इस मदद को संसार कभी भूलेगा नहीं। तुम्हारे केवल हाँ कहने से कई घरों के चिराग अब नहीं बुझेंगे। वह नहीं जानती थी फादर डिकोस्टा को उसके उम्र का इतना सटीक अंदाज होगा। खैर, वह इस पुण्य कार्य में योगदान देने से पीछे भी नहीं हट सकती थी। इस तरह हौसला अफजाई करने की वजह से जेनेलिया फादर डिकोस्टा को इनकार न कर सकी। वह दो कदम आगे बढ़ी और बोली, फादर, मैं उस अविवाहित युवती की जगह लेने को तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा। वह जरूर इस वक्त किसी न किसी कब्र में लेटा आराम फरमा रहा होगा और आज इस अमावस की रात को 12 बजने का इंतजार कर रहा होगा। देखो जेनेलिया, हमें नरपिशाच को खत्म करने के लिए सबसे पहले उस तक पहुंचना होगा। उसके कब्र तक पहुंचने के लिए उसकी कब्र की पहचान करनी होगी। नरपिशाच के कब्र की पहचान करने का एक तरीका यह है कि एक कुंवारी लड़की को एक कुंवारे घोड़े पर बिठाकर किसी कब्रगाह या गिरजा की जमीन से होकर गुजारना होगा। घोड़ा अगर कब्र के पास प्रश्नात्मक भंगिमा में अड़ गया तो समझ जाओ कि उस जगह के आसपास ही उस पिशाच की कब्र है। फादर डिकोस्टा की बात को उसने ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अपने जहन में उतार लिया। फादर डिकोस्टा ने उसे एक काले रंग का विशेष पोशाक दिया जो कि येड़ी से लेकर छोटी तक लंबी थी। ये एक विशेष प्रकार का लबादा था जिसमें एक नकाब भी लगा हुआ था। बाहर देखने के लिए उस नकाब में दो छेद पहले से बनाए हुए थे। जेनेलिया, जल्दी से यह पोशाक पहनकर आओ और ध्यान रहे कि जब यह पोशाक पहनो तो शरीर पर इसके अतिरिक्त कोई भी किसी तरह का अंतः वस्त्र भी नहीं होना चाहिए। फादर डिकोस्टा के हाथों से वह उस विशेष पोशाक को लेकर जेनेलिया अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा उसी प्रार्थना भवन के पीछे ही था। वह इस चर्च में बचपन से ही सेवा कर रही थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन इस चर्च के नाम ही कर दिया था। आज उसे इस विशेष पोशाक को पहनते हुए ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन अब कुर्बान होने वाला था। उसके माथे पर हल्की सी सिकन थी। वह कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाली गतिविधियों को लेकर आशंकित थी। जेनेलिया इतना तो समझ गई थी कि इस मंगल कार्य में योगदान करने के लिए वह बलि का बकरा बनाई गई है। वह कुछ पल में ही अब चमचमाते काले घोड़े के ऊपर सवार थी। फादर अपने हाथ में क्रॉस को पकड़े हुए कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद वह गॉड से उसके सकुशल लौटने की कामना कर रहे थे। जैसे ही फादर डिकोस्टा के होंठ शांत हुए, उस काले घोड़े ने तेजी से हिलना शुरू किया। अगले ही पल उसने अपने आगे की दोनों टांगों को हवा में उठाया।
वह तो शुक्र था कि जेनेलिया ने उस घोड़े के लगाम को वक्त रहते थाम लिया, नहीं तो वह जमीन पर औंधे मुंह गिर सकती थी। वह घोड़ा हिनहिनाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। वह अब हवा से बातें करता हुआ सरपट दौड़ रहा था। जेनेलिया किसी तरह खुद का संतुलन बनाने में कामयाब रही थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह इस घोड़े पर पहली बार बैठी। वह अब इस पर पूरी तरह से नियंत्रण करने में सक्षम थी। वह काला घोड़ा आसपास के कई गांव के इलाके में बेतहाशा दौड़ रहा था। सभी उस घोड़े के रुकने का इंतजार कर रहे थे। फादर डिकोस्टा ने घड़ी में वक्त देखा तो 10:30 का वक्त हो चला था। घड़ी में बढ़ते हर पल के साथ धड़कने अब तेज होती जा रही थी। सभी जेनेलिया के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। कहीं न कहीं अब फादर डिकोस्टा के चेहरे पर भी असफलता के बादल घिरने लगे थे। वह अब काफी चिंतित थे, परंतु दूसरी तरफ वह आश्वस्त भी थे कि वह काला घोड़ा लौटकर जरूर वापस आएगा। उन्हें अपने प्रयोगों पर खुद से ज्यादा भरोसा था। तभी कहीं दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। फादर डिकोस्टा दौड़कर बाहर निकला। वह अब चर्च के बाहर खड़ा था। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने पर कोई आकृति उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। जैसे ही उनकी नजर उस घोड़े पर पड़ी, उनकी बाँछें खिल गईं। जेनेलिया अभी भी उस घोड़े की पीठ पर सवार थी। अगले ही पल वह काला घोड़ा साये की आवाज करता हुआ फादर के सामने से निकल गया। यह देखकर फादर डिकोस्टा की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह उनके योजना के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं था। फादर डिकोस्टा उसके पीछे भागे। उन्होंने देखा कि वह काला घोड़ा उस चर्च के पीछे वाली कब्रिस्तान के पास जाकर रुक गया था। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए इंतजार करें हमारी इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट का। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में आपका नाम वीडियो में आएगा। तो इंतजार किस बात का है, नाम और शहर का नाम जल्दी जल्दी लिख दें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं हमारी कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।